भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से गहरा नाता है। इन दोनों से वो कितना प्यार करती हैं, आइए आज हम जानते हैं और किससे सबसे ज्यादा। तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि अक्षरा सिंह के लाइफ में पवन सिंह ज्यादा इम्पोर्टेंट थे या खेसारी लाल यादव। तो चलिए आज हम आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। एक लड़की जिसका नाम है अक्षरा सिंह, जो बड़ा की खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती के प्यार में पड़ जाते हैं गांव के नटखट छोरे छैल छबीले खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव मुंबई जैसे महानगर की चकाचौंध से अभी वाकिफ नहीं थे और इन सब को वाकिफ कराया अक्षरा सिंह ने। अक्षरा सिंह के साथ एक बड़ी खास बात रही है, अक्षरा सिंह जब भी किसी रिलेशन में रहती हैं, उसके प्रति बड़ी ही वफादार रहती हैं, बड़ी ही डिग्निटी से वो रिलेशनशिप निभाती हैं। फिर वो चाहे खेसारी लाल यादव के साथ रही क्यों न हो, खेसारी लाल यादव को अक्षरा सिंह ने हर एक चीज सिखाई फिर वो कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। शायद अक्षरा सिंह के संगति का ही नतीजा था कि खेसारी लाल यादव ने वो कामयाबी छुई जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े कम समय में किसी को मिलती है। खैर ये थी खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की लव स्टोरी, जो कि जितनी जल्दी शुरू हुई उतनी जल्दी ही खत्म हो गई। खत्म होने का कारण भी खेसारी लाल यादव का शादीशुदा होना था। अब भाई खेसारी लाल यादव घरवाली और बाहर वाली का गेम तो खेल नहीं सकते थे अक्षरा सिंह के साथ, भाई अक्षरा सिंह को ये मंजूर भी न होता। वैसे आपको यहाँ ये बता दे कि भाई जब खेसारी लाल यादव की लाइफ के बुरे दिनों में उनकी पत्नी ने उन्हें कदम दर कदम साथ दिया, तो अब अच्छे दिनों में खेसारी लाल यादव का भी फर्ज बनता था कि वो पत्नी का साथ न छोड़े। तो ठीक, उन्होंने वही किया जो हर कोई करता है, पत्नी का साथ पकड़ लिया और अक्षरा सिंह से किनारा कर लिया। फिर अक्षरा सिंह के लाइफ में आता है उनके सपनों का राजकुमार पवन सिंह। इसके लिए शायद अक्षरा सिंह ने इतना किया कि अपने किसी भी रिश्ते में अक्षरा सिंह ने उतना नहीं किया होगा जितना उन्होंने पवन सिंह के लिए किया। ये वही पवन सिंह है जब वो शूटिंग से बाहर होते थे तो अक्षरा सिंह उनके खाना बनाने से लेकर वो क्या पहनेंगे, कब उनका स्टेज शो होगा, किस तरह से उनकी शूटिंग होगी, कब वो शूटिंग पे जाएंगे, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं, सारा कुछ का ध्यान अक्षरा सिंह रखती थी। पवन सिंह के दुख सुख हर एक चीज के साथी थी अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह को भी कहीं ना कहीं लगा कि पवन सिंह उनके साथ पूरी तरह से उनके प्यार में गिरफ्त में है और उनके साथ वफादार भी उतने हैं जितनी वफादारी के साथ अक्षरा सिंह अपना ये रिलेशन उनके साथ निभा रहे थे। क्योंकि था भी इस तरह का ये रिलेशन अक्षरा सिंह की वजह से ही तो पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव से दुश्मनी मोल ली थी। खैर वो बात पुरानी हो चुकी थी, लेकिन अक्षरा सिंह के लाइफ में सब कुछ इतना जल्दी बदल जाएगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अक्षरा सिंह के लाइफ में सबसे बुरा दौर तब आया जब पवन सिंह की मां ने पवन सिंह के पर दबाव डाला उनकी शादी के लिए। ज्योति सिंह से उन्होंने शादी कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योति सिंह से शादी से पहले उनके शादी की पूरी तैयारी, यहाँ तक कि उनके पैर के जूते से लेकर उनके सिर के सहरे तक की खरीदारी अक्षरा सिंह ने की थी। जी हाँ, बस पवन सिंह को दूल्हा बनना था। पवन सिंह की शादी की तैयारी खुद अक्षरा सिंह ने अपने हाथों की और जब शादी की बारी आई तो अक्षरा सिंह शायद ये देख ही नहीं पाते कि उनके सामने पवन सिंह किसी और के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर रहे हैं। शादी के मौके पर अक्षरा सिंह नहीं थी, शादी के बाद भी अक्षरा सिंह और पवन सिंह का प्यार उसी तरह बदस्तूर जारी रहा। लेकिन ये प्यार भी कब तक टिकता? कहीं न कहीं अक्षरा सिंह को ये पता चल गया था कि अब पवन उनके नहीं है। समाज की नजर में भी कहीं न कहीं अब अक्षरा सिंह भी महसूस करने लगी थी कि निजी लाइफ में भी उनकी दखल अंदाजी अब पवन के जीवन में सही नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब इस रिश्ते का बहुत बुरा अंत हुआ, लेकिन अक्षरा सिंह ने अपनी आस नहीं तोड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सिंदूर का रंग इतना गहरा होता है कि वो हर रंग को फीका कर देता है, फिर वो चाहे आपके प्यार का रंग ही क्यों ना हो। ज्योति के सिंदूर के आगे अक्षरा सिंह का प्यार हमेशा के लिए पवन सिंह से दूर हो गया, लेकिन आज भी पवन सिंह को अक्षरा सिंह बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो इसलिए कि हाल ही में पवन सिंह की शादी की पहली सालगिरह में इंस्टाग्राम स्टेटस पे अक्षरा सिंह ने एक पोस्ट किया
पोस्ट कुछ इस तरह था, लोग लड़की की विदाई करते हैं, आज मैंने एक लड़के की विदाई की। उसके पैर के जूते से लेकर सिर के सहरे तक सब कुछ खरीद दिया और अब उसे विदा कर दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पोस्ट अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के लिए किया था, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आज भी पवन सिंह की बेवफाई अक्षरा सिंह के दिल में धसी हुई है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आज भी अक्षरा सिंह पवन सिंह से बहुत प्यार करती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।